गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पंक्चुएशन। इट्स द टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर विच विल बी हेल्पफुल फॉर यूपीएलटी। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एमसीक्यू, वी वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट पंक्चुएशंस। तो इनके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, और जानने की कोशिश करेंगे कि ये पंक्चुएशंस जो हैं तो कितने टाइप के होते हैं। इसमें देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉमा तो आपको पता है, जिसको क्या बोला जाता है, कॉमा को बोला जाता है हिंदी में अल्प विराम। क्या बोला जाता है? अल्प विराम, ठीक है। कुछ यानी कि कुछ सेकंड के लिए, अल्प का मतलब आपको पता है। सेमी कॉलन, सेमी का मतलब होता है अर्ध विराम, जैसे विराम फुल स्टॉप को बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप, ये पूर्ण विराम है, सॉरी पूर्ण विराम है। विराम जो है कॉलन को बोला जाता है, कॉलन विराम हो गया, फुल स्टॉप जो हो गया पूर्ण विराम हो गया, सेमी कॉलन अर्ध, सेमी सर्कल जैसे होते हैं, सेमी का मतलब आधा होता है, कॉमा अल्प विराम। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, हिंदी में भी मैं बताते जा रहा हूँ इन चीज़ों को। इसके अलावा एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो विस्मयादि बोधक जो साइन होता है, प्रतीक होता है, ठीक। जब वर्ड आता है तो वर्ड के साथ भी इंटरजेक्शन बोलते हैं उसको, और जब अगर सेंटेंस की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में आपने देखा होगा इस टाइप का सडन फीलिंग जहाँ पे यूज होती हैं। क्वेश्चन मार्क आपको पता है, जहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है, वे भी आस्क क्वेश्चंस, उन सेंटेंस के अंत में हमें क्या दिया रहता है, क्वेश्चन मार्क। एंड इसके अलावा एपोस्ट्रॉफी का मतलब जैसे संबंध बताने के लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे टीचर्स डे, मैंने जैसे बोला क्या टीचर्स डे, ये देखिए टीचर का दिन, टीचर्स डे, ठीक है। तो काके की यानी कि संबंध बताने के लिए, रिलेशनशिप बताने के लिए यूज होता है। जैसे लेग ऑफ द टेबल, जैसे ऑफ का यूज़ करते हैं, तो ऐसे ही ये एपोस्ट्रॉफी का यूज किया जाता है संबंध बताने के लिए। और इसके अलावा कोट्स का ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, आपको ये तो पता है ही, और डबल कोट्स ये डबल इन्वर्टेड कॉमाज आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी देखे होंगे। हाइफन छोटी रेखा होती है, जैसे आपने देखा होगा दिन रात माता पिता, इस टाइप से जो उनके बीच में एक हाइंड रहता है हाइफन, जैसे अपने कंपाउंड में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, द्वंद्व समास में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपका हिंदी है सब्जेक्ट या आपने हिंदी पढ़ी है, हिंदी व्याकरण, तो उसमें आपने देखा होगा डैश, तो आपको पता ही। और इसके अलावा स्ट्रोक और स्लैश का आपको साइन पता है, ये पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट है। इसके अलावा एलिप्सिस, ये थ्री डॉट दे रखे हैं आपको, और ये एस्टेरिस्क करके, ये आपकी पंक्चुएशंस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका कोऑपरेशन जरूरी है। वी हैव ऑलरेडी मेड, वी कैन सी कैप्चर्ड 260 प्लस वीडियोज, यहाँ पे 260 से ऊपर वीडियोज बना चुके हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर बना रखे हमने। तो आप चेक करिए, स्पोकन इंग्लिश की बात करें या हम बात करें इंग्लिश ग्रामर की, और इसके अतिरिक्त इंग्लिश लिटरेचर, तो हर एक टॉपिक पे आपको यहाँ पे वीडियोज अवेलेबल कराने की हमारी कोशिश है। तो आपका कोऑपरेशन भी जरूरी है इसके लिए। तो अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, पंक्चुएशन इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स। पंक्चुएशन क्या है? सिस्टम है किसका? सिंबल्स का, प्रतीकों का, दैट वी यूज, जिसको हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। वैन पंक्चुएशन का यूज हम कब करते हैं, कहने का मतलब सिस्टम ऑफ सिंबल्स तो है, एक सिस्टम के प्रतीकों की पद्धति है, एक प्रणाली है जिसका हम प्रयोग करते हैं। कब प्रयोग करते हैं भाषा में? जब हम राइटिंग की बात करते हैं, जब हम लिखते हैं उस टाइम यूज करते हैं, क्योंकि बोलते समय तो हम फुल स्टॉप कॉमा ये चीज़ें बोलते नहीं हैं, और हियरिंग सुनते समय भी ऐसा कुछ नहीं करते। तो राइटिंग सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा। जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू राइट समथिंग वी यूज पंक्चुएशन, लिखने की कोशिश करते हैं तो पंक्चुएशन का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी है, व्हाट आर द सिंबल्स यूज्ड इन दिस सिस्टम कॉल्ड। जो इस सिस्टम में जो हम राइटिंग के समय जो हम सिंबल्स यूज करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है, वी हैव ऑप्शन हियर, एंड सो करेक्ट ऑप्शन इज पंक्चुएशन मार्क्स। सो फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो राइट नोट डाउन आंसर्स, देन आफ्टर फाइनली यू कैन टेल योर स्कोर्स इन द कमेंट बॉक्स।
कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अपना स्कोर, आप भी अपने जो आंसर्स हैं उनको नोट डाउन कीजिए और लास्ट में हमें बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। तो पंक्चुएशन मार्क्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या हैं, उदाहरण, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क किसे बोलते हैं, हमने ऊपर डिस्कस किए थे, आपको एक टेबल टाइप की हमने दिखाई थी उसमें बताए थे, ठीक है। कॉमाज एंड फुल स्टॉप्स, डॉलर एंड पाउंड साइंस, प्लस एंड माइनस साइंस। सो कॉमाज एंड फुल स्टॉप्स आर पंक्चुएशन मार्क्स। नेक्स्ट, फुल स्टॉप्स आर ऑल्सो कॉल्ड, फुल स्टॉप को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो फुल स्टॉप्स होते हैं उनको और क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बताऊँ तो पीरियड्स कहा जाता है, ठीक है। फुल स्टॉप को क्या कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है। यू विल नोट डाउन दीज क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आपके लिए नए होंगे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जो ओवरऑल यहाँ पे जो एक्सरसाइज आप प्रोवाइड की जा रही है इसका मेन उद्देश्य है कि कुछ आपको अलग से सीखने को मिले, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं हम वैसे तो हमने डिस्कस किए ही वहाँ पे, उसके अतिरिक्त ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जरिए आपको थोड़ा सा अपनी प्रोग्रेस को चेक करने का मौका मिलेगा। यू विल गेट टू नो योर प्रोग्रेस बाय द हेल्प ऑफ दीज एमसीक्यूज। फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव, विच कैन नॉट कम एट द एंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में नहीं आता है, कौन सा नहीं आ सकता कहते हैं, ठीक है, किसका प्रयोग नहीं कर सकते कहने का मतलब हम सेंटेंस के अंत में। तो एक्सक्लेमेशन मार्क, अ कॉलन, अ पीरियड। पीरियड का मतलब हमने बताया आपको फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, तो ये तो आता है, और इसके अलावा एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क मीन्स फ्रेंड्स ये देखिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एक्सक्लेमेशन मार्क ये, ठीक है, जैसे फुल स्टॉप होता है नीचे उसके पॉइंट, इस टाइप का एक्सक्लेमेशन मार्क भी आता है। तो नहीं जो आता है तो वो कॉलन नहीं आता, कॉलन क्या होता है, ये ऊपर नीचे बिंदा, ठीक है। नेक्स्ट, यू मस्ट पुट अ स्पेस, तो यहाँ पे स्पेस दिया है हमें, एवरी कॉमा इन अ सेंटेंस, हर कॉमा, अब आपको क्या करना है, स्पेस छोड़ने, कॉमा से पहले या कॉमा के बाद, ये हमारा वो है तो क्वेश्चन जो है। तो कॉमा जब हम लगाते हैं उसके बाद आपको स्पेस वो करना होता है, आफ्टर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, आफ्टर, ठीक है। आप जब कॉमा लगाते हैं तो आपको पता होगा उसके बाद थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है, ठीक। व्हाट्स द पंक्चुएशन मार्क इंडिकेटिंग अ क्वेश्चन कॉल्ड, जो पंक्चुएशन मार्क जो है इंडिकेट करता है अ क्वेश्चन कॉल्ड, जो क्वेश्चन को इंडिकेट करता है, तो क्या होता है अ क्वेश्चन मार्क, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क स्टेप से हम बनाते हैं। नेक्स्ट, जहाँ पे कोई चीज़ पूछते हैं हम, व्हेन वी आस्क समथिंग वी यूज इंटरोगेटिव साइन, इंटरोगेटिव आपको पता है क्वेश्चनेटिव बोल सकते हैं, विच कैन वी यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इन रिटन इंग्लिश। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए रिटन इंग्लिश में यूज किया जाता है, तो रिटन इंग्लिश में ही तो हम पंक्चुएशन का यूज करते हैं, तो उसमें ही अब जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग की बात आ रही है तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोटेशन मार्क तो होता नहीं है, ब्लैक बैक स्लैश भी नहीं होता है, इसमें क्या होता है एन एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, सडन फीलिंग के लिए मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन कोटेशन मार्क्स आर पुट द वर्ड्स बीइंग कोटेड, और जो कोटेशन मार्क्स होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं जब कोट करते हैं हम किसी चीज़ को, तो पहले और अंत में, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, सो इन ब्रिटिश इंग्लिश कॉल्ड, ये जो ब्रैकेट है इसको कहा जाता है राउंड ब्रैकेट्स, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, राउंड ब्रैकेट्स, बट इन अमेरिकन इंग्लिश दे आर ऑफन कॉल्ड, इनको अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में, तो अमेरिकन इंग्लिश में इनको कहा जाता है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस कहा जाता है फ्रेंड्स इसको, ये आपको याद रखना। तो कैसी लगी वीडियो फ्रेंड्स आपको ज़रूर बताइएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी आपको, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।